अगला सवाल साथी ने एक पोस्ट भेजी है जिसमें लिखा गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक लड़का लाया गया। ये लड़का पैदाइशी गूंगा था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, ज़रा इतना बता मैं कौन हूँ। उसने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और उसी वक्त से बात करने लगा। मुश्किल यह है कि इस किस्म की चीज़ें लोग जहाँ से नकल करते हैं वहीं पर इस किस्म की हदीसों का ज़ईफ़ होना और मरदूद होना मज़कूर रहा करता है। जैसे अब जहाँ से लोग लिए हैं इस हदीस को, इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह की दलाइल नबुव्वा से, वहीं पर इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने इसको ज़ईफ़ होना मुतय्यन कर दिया है कि नहीं है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्ज़ा, इससे बहुत बड़े बड़े आपके मुअज्ज़े हैं। ये इससे मतलब नहीं कि आपके किसी मुअज्ज़े का इनकार है, लेकिन असल है कि ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ इसकी निस्बत सही नहीं है। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं, याकूब अजीज़ 00966508959707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे YouTube चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इतला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।